आज के लेक्चर में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड द लिपिड्स। लिपिड्स का आज हम इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें लिपिड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे और साथ हम इसको इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन यहां एक बात आपने नोट करनी है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं इनका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है। देयर इज द हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये वाला, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन लो होता है। अब इसकी वजह से, क्योंकि इसमें हाई प्रोपोर्शन है कार्बन हाइड्रोजन का, लो प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन का, जिस वजह से जो लिपिड्स हैं दीज आर द हाई एनर्जी कंपाउंड्स, ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लिपिड्स जो है वो हाई एनर्जी कंपाउंड्स क्या है, तो आपने इसमें यही बताना है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम है, जिस वजह से एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं और दे प्रोवाइड द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और द प्रोटीन्स। अब यहां पर अगर हम 1 ग्राम देखें लिपिड का, तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा, अगर हम 1 ग्राम लिपिड का लेते हैं तो हमें 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन का लें, हमने पढ़ा था 4.3 किलो कैलोरी। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का लें तो वो भी अबाउट 4 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है। तो ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और रीजन क्या है, रीजन आपको इसके बता दी कि देयर इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिपिड्स हैं दीज आर द हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये भी आपने अच्छी तरह से इसको समझ लेना है, हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, और इनके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। डिटेल में हमने इस पर बात करनी है। अब हेट्रोजेनस ग्रुप का क्या मतलब है, ये जो वर्ड है हेट्रो एंड जेनस, आप जानते हैं हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, जेनस का मतलब है कंपोजिशन और कंपोनेंट। इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट है जो इसकी फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं लिपिड्स की। लेकिन इससे पहले हमने जो पढ़े थे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, आप जानते हैं कि उनके अंदर जो सब यूनिट्स थे वो रिपीटिंग थे, एक ही तरह के सब यूनिट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट को ले लें, दे आर ऑल सैक्रॉम्स, शुगर, उसमें सारे के सारे शुगर थे, रिपीटिंग यूनिट्स। अगर आप प्रोटीन को ले लें, उसमें जितने भी रिपीटिंग यूनिट है वो सारे अमीनो एसिड, दे आर ऑफ द सेम नेचर। लेकिन जब हम लिपिड्स को देखते हैं तो इसके अंदर जितने भी यूनिट्स जो रिपीट हो रहे हैं वो सारे सेम नहीं होते, जैसा कि उसमें फैटी एसिड भी है, इसके अलावा ये एसिड है अल्कोहल हो सकता है जो कि डिफरेंट नेचर का है, इसके अलावा कीटोन्स हो सकते हैं, इसके अलावा एस्टर्स बनते हैं। तो इसका मतलब है इसमें वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जिस वजह से हम हेट्रोजीनस कंपाउंड कहते हैं। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में वो होमोजेनस कंपाउंड थे, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो सब यूनिट्स थे वो एक ही तरह के। तो ये भी आपने यहां पर वर्ड याद रखना है। इसके अलावा फर्दर अगर हम इसमें देखें तो जो लिपिड्स हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ये याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो कौन कौन से, सच एज ईथर और क्लोरोफॉर्म है, इनके अंदर ये, इस तरह के बहुत से और ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। तो ये भी आपने इसमें पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो लिपिड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, ये भी आपने याद रखना है, और रिपेलेंट्स हैं। तो ये भी इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें हैं जो कि इसमें आपने लर्न कर लेनी है। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अलहदा से क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं लिपिड्स की इंपॉर्टेंस। अब लिपिड की इंपॉर्टेंस में एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लिख देंगे यहां पर, दे प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
इसके अलावा ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड इंसुलेशन, बॉडी के अंदर इंसुलेशन देंगे अगेंस्ट हीट, हीट के अगेंस्ट इंसुलेशन देंगे, यानी बॉडी से हीट को बाहर निकलने से भी रोकते हैं और बाहर से एनवायरमेंट से जो बॉडी के अंदर हीट आती है उसको अंदर आने से भी रोकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी, बाकी एनिमल्स के अंदर भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी स्किन के नीचे लिपिड क्लियर होती है जो कि हमारी बॉडी को इंसुलेट करती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दैट एक्ट एज वाटर बैरियर, ये वाटर बैरियर का काम करते हैं, पानी को बाहर जाने से रोकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो वाटर जो है उसकी वेपोरेशन को कम करने के लिए, इन केस ऑफ रेस्पिरेशन और स्वेटिंग। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है कि क्यूटिकल के ऊपर एक क्यूटिन की लेयर होती है, तो वो वाटर बैरियर का काम करती है, प्लांट्स में से जो वाटर की वेपोरेशन है उसको कम करती है। इसके अलावा दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इंजरी, किसी भी इंजरी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए लिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी लिपिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया जैसा क्यूटिन है, क्यूटिन अराउंड क्यूटिकल ऑफ लीफ, लीफ के क्यूटिकल के ऊपर की तरफ होगी जो कि वाटर को बाहर जाने से रोकती है, तो ये भी इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करते हैं ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जब फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर लिपिड बायलेयर होती है, तो लिपिड्स वहां पर सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन का भी काम करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो के लिपिड्स होते हैं और वो बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को, डिफरेंट फिनोमिनास को कंट्रोल करते हैं, तो वो भी लिपिड्स होते हैं। आगे डिटेल में जाके हमने इस पे बात करनी है। तो अगर किसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले जाए कि बताएं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स आपने इसमें बता देने हैं। आगे डिटेल में जब हमने लिपिड्स को पढ़ना है तो इनको भी हम दोबारा से एक एक करके रिवाइज करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो यहाँ पर ये कि व्हाई लिपिड्स प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, तो उसकी हमने यहाँ पर रीजन देखी, और दूसरा यहाँ पर जो है लिपिड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, और इसके अलावा बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास नई जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन मिल सकें।